Home polling for physically challenged and elderly persons above 85 years begins at half long. Uh, actually, ये yeah, postal ballot uh, होता है जो home voting के लिए जो physically handicapped और 85 plus years citizens जो है उसको home voting का सुविधा दिया है मतलब election commission की तरफ से तो यहाँ पे जैसे कि मैं sector officer sector वन हाफलोंग का हूँ तो मेरे अंदर जितना भी polling stations है वहाँ पे 85 प्लस जितने भी लोग हैं और फिज़िकली हैंडीकेप जितने भी लोग हैं तो उनका आज में वोट कलेक्ट हो रहा है आज से शुरू है और सिंस यहाँ पे मेरे अंदर में तो 22 लोग हैं वो एक दिन में अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो 16 तारीख फिर करेंगे अच्छा। तो हाँ टोटल कितना है आपका सेक्टर फिजिकली हैंडीकेप और एटी प्लस ऐसे तो ट्वेंटी है जो लिस्ट हमको प्रोवाइड किया है अच्छा। और उसको हम लोग को दो दिन में करना है आज और सिक्सटीन के भीतर में ख़त्म करना है ये जो प्रोसेस पूरा हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में ही हो रहा है ऑल ओवर uh, तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट मतलब हर ऑल ओवर इंडिया ही हो रहा है लेकिन नहीं। नहीं। अलग अलग डेट में हो रहा होगा हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो थर्टीन एंड सिक्सटीन को होगा जिस जिसका मान लो जहाँ पे वोटर्स कम है होम वोटिंग के लिए वहाँ पे एक दिन में ख़त्म हो गया तो उनका आज खत्म हो जाएगा लेकिन जिस में थोड़ा ज़्यादा है जैसे कि ये हफलंग टाउन में तो थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें हम लोग को शायद दो दिन लगेगा तो होपफुली हम लोग दो दिन में कम्प्लीट करेंगे आज और सिक्सटीन में अच्छा ये ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका जो सिस्टम सिस्टम है हाँ। आ, कैसे नहीं अच्छा तो देखा जाए तो मतलब ऐसा है कि ई का पॉलिसी ऐसा लगता है कि नो वोटर हैज़ टू बी लेफ्ट आउट तो एवरी पॉसिबल मीन्स और एवरी पॉसिबल एक्शन जो लेना है वो ले रहे हैं सो डेट नो वोटर इज लेफ्ट आउट जिसको मतलब एलिजिबल है वोट देने के लिए उनको मतलब पूरा इंश्योर कर रहा है एमिंग नॉट टू लिव आउट सिंगल वोटर्स फ्रॉम एक्सरसाइजिंग दियर डेमोक्रेटिक राइट होम पोलिंग फॉर फिजिकली चैलेंज एंड एल्डरली पर्सन अबी 85 इयर्स ऑफ एज बिगीन्स एट हाफ लॉन्ग ऑन सैटरडे Several teams comprising sector officers, observers and BLOs have been approaching the residents of such physically challenged and elderly persons at Molhoi, Fiong Pui, and the Greater Hafong area since morning. Several hundreds of physically challenged and elderly persons are likely to avail the opportunity of home voting in Dimahasao. Sector officer interacting with the media informed that this home voting started today and will be done on April 16th. Also, ECI has instructed the home polling for physically challenged and elderly persons above 85 years so that no one is left out from participating in the nation's biggest festival of democracy. Thank you, madam. home <laughs> poll. जैसे कि आ, हम लोग का फिजिकल साइलेंस आदमी लोग और ओल्ड एज आदमी लोग तो आने नहीं सकता तो इसीलिए उन लोग को स्पेशल आज बोट करने के लिए गोर गोर में आया और हमारा साथ में पोलिंग ऑफिसर भी है ऑब्जर्वर है साथ में कैमरामैन भी है सब उठाने के लिए तो आपका, आपका सेक्टर में कितना गर, कितना है सामने? हमारा सेक्टर हाफलोंग थ्रिक गिरता है अच्छा। मोलोई हमारा ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू वोटर्स है हमारा अंदर में हाँ। प हाँ? हमारा हाँ हाँ हेंडी केप और फीटबैक हेंडी केप हमारा टीम टू है अभी हम दो टू करके ये गोर भी फिजिकल चैलेंज वाला ये प्रोसेस जो कैसे लग रहा है ठीक है अभी जैसे कि फिजिकल चैलेंज और जो एट्टी फाइव उम्र वाला वो लोग तो जान ही नहीं सकता तो गोर गोर में आने से उन लोग का सुविधा होता है और बोटिंग तो हर सिटीजन का राइट है तो अच्छा ही है और एक आ, तो अच्छा कितना दिन चलेगा ये दो दिन चलेगा आज थर्टीन अगर आज में कम्प्लीट नहीं हुआ बोल से तो कब रहा सिक्सटीन सिक्सटीन को फिर फिर होगा जैसे कि आज अगर एबसेंट है किसी को नहीं मिला से सिक्सटीन में फिर आए आना है ठीक है